हेलो दोस्तों, वापस आ गया हूँ मैं नई वीडियो के साथ। इस बार हम रियो मूवी का कॉन्टेक्ट सीन का 3D एनवायरनमेंट बनाने वाले हैं, जो कि ब्लेंडर के अंदर होगा। बाय द वे, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो देख सकते हो। अभी स्कॉर्पियो मूवी का भी बनाया था, तो अलग अलग मूवीज के हम बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ब्लेंडर का भी मैं 4.0 पर पूछा किसी ने पहले के भी किसी ने नहीं पूछा। तो अभी हम स्क्रैच से नहीं बनाएंगे। मैंने कुछ पहले से मॉडल्स इंपोर्ट करके रखे हैं ब्लेंडर में, तो अभी हम एशियन विंडो का मॉडल्स उठाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इन सब की मॉडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो मैंने ये एशियन विंडो पर लिए, इसे हम कस्टमाइज करेंगे अपने हिसाब से। तो पहले मैं इसकी साइज वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा, उसके बाद इसमें एक विंडो ऐड करूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये तीनों विंडो इसमें लगा लूंगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी तीनों विंडो लग चुकी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऐड पे जाऊंगा और एक प्लेन ऐड करूंगा इसमें। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। प्लेन ऐड करने के बाद दोस्तों मैं इसे स्केल करूंगा, एस से स्केल हो जाएगी। तो उसे स्केल कर ली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो हम एडिट मोड में जाएंगे और एडिट मोड में जाने के बाद इसमें हम लूप कट ऐड करेंगे। मैं इसमें 25 लूप कट ऐड कर रहा हूँ, और आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। समझ रहे हो? प्लेन का शेप रहेगा वैसे। तो मैं 25 एक्स एक्सिस पे लगाऊंगा और जेड एक्सिस पे। उसके बाद हम एडिट मोड में आएंगे, और एडिट मोड में जाने के बाद हमें एक ऐड ऑन इंस्टॉल करना है, जो कि इनबिल्ट ही है ब्लेंडर में। ओके। लूप मैच नाम से, उसे आप एडिट मोड में जाएं, सर्च करें और उसे राइट कर दें, ताकि वो ऐड ऑन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपका ऐड ऑन इंस्टॉल हो जाए तो हम कर लेते हैं लूप मैच नाम से, ऐसे आप राइट क्लिक कर दें, मतलब राइट कर दीजिए। उसके बाद अपने बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और लूप टूल नाम से आएगा, उसमें एक सर्कल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये भगवान क्या तो आपका मैं थोड़ा तो सही स्टार्ट कर दूँ, सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। मैं ये सर्कल तीनों तरफ लगा लूँगा, तीन सर्कल बनाने। तो मेरे ये तीन सर्कल बन के रेडी हैं। मज़ा आया। इसके बाद हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ब्लेंडर के थोड़े बहुत बेसिक्स याद होंगे। ये शॉर्टकट है वैसे शिफ्ट डी से, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था अपनी। तो इसे मैं एडजस्ट कर लूँगा, और ये हमारी विंडोज़ वगैरह थोड़ी तैयार है। अब हमें ये जो वुडन विंडो है इसे ऑल सेलेक्ट करना है, और थोड़ा सा साइज़ में आप एडजस्ट कर लीजिए। मुझे एक यहाँ पर चाहिए और एक यहाँ पर। इसके बाद जो हमने विंडो बनाई थी उसे सिलेक्ट कीजिए पूरा, और उसके बाद फिर एक्सट्रूड इन कर लीजिए, और ये हमारी एक्सट्रूड हो चुकी है। अरे कहना क्या चाहते हो? सही से एडजस्ट करना दोस्तों, ताकि वो बाद में दिक्कत नहीं रहे। इसके बाद इस विंडो को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, और फिर जो एशियन विंडो है उसे एडिट मोड में ले जाएंगे, और यहाँ पे जो इसका राइट साइड वाले जो बॉक्स है उसे सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड कर लेंगे। ये हमारा एक्सट्रूड हो चुका है, ताकि ये डोर के लिए थोड़ी सी जगह बच जाए। इसके बाद से इसे शिफ्ट डी की मदद से वुडन विंडो को डुप्लीकेट करेंगे, और इसे भी राइट ले आएंगे थोड़ा सा, और इसके बाद फिर इसके डुप्लीकेट्स करेंगे। हाँ दोस्तों, डुप्लीकेट करने के बाद एक और बार डुप्लीकेट करना है, तो एडजस्ट करेंगे वापस शिफ्ट डी की मदद से डुप्लीकेट करेंगे, और ये हमारा बैक साइड का बनके तैयार है, मतलब मेन डोर एंट्रेंस। इसे भी एडजस्ट कर देंगे, और इसके बाद एक प्लेन ऐड करेंगे ग्राउंड के लिए, और इसी को शिफ्ट डी की मदद से डुप्लीकेट करेंगे और सीलिंग पे लगा देंगे, ताकि सीलिंग बन जाए। और फिर ब्लेंडर किट में जाके राउंड विंडो सर्च करना है और ऐड कर देना उस विंडो को।
इसके बाद फिर इसे भी हम शिफ्ट रेडी की मदद से डुप्लीकेट करेंगे और फिर तीनों जगह ये हमारी विंडो बन चुकी है दोस्तों। अब हमें डोर के शेप को बनाना है, तो मैं सबसे पहले वुडन विंडो को सिलेक्ट करूँगा और उसे वाई एक्सिस पे ले आऊँगा। थोड़ा सा इसका साइज मैं चेंज कर लूँगा और फिर एडिट मोड में जाऊँगा। एडिट मोड में जाने के बाद मैं फेस को सिलेक्ट करूँगा और इसे वाई एक्सिस पे ले आऊँगा, राइट ले आऊँगा। इसके बाद फिर हमें ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है फेस को सारे, और ये सिलेक्ट करने के बाद वापस एक्सट्रूड कर लेना। एक्सट्रूड करने के बाद हम इसमें लूप कट ऐड करेंगे और लूप कट ऐड करने के बाद इसे भी एक्सट्रूड कर लेंगे वन फेस लेकर, और ये हमारा डोर का काम लगभग हो चुका है थोड़ा। अब हमें दोस्तों ब्लेंडर किट में जाना है और मटेरियल सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक मेटल का मटेरियल ले लेता हूँ और ये जो विंडो है इस पर लगा लेता हूँ। इसके सारे मटेरियल और स्केल करके एस से स्केल, तो इसे स्केल करके मैं इसके शिफ्ट डी से दो तीन डुप्लीकेट कर लूँगा और ये हमारा लगभग। मैं लाइट की वैल्यू बढ़ा लेंगे, मैं इसका 9000 रख लूँगा, शायद ज़्यादा हो गई है तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा हो चुका है। अब जो आगे की डिटेलिंग का काम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसमें एक आर्म चेयर और ऐड करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको फाइल में जाना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है और GLP फॉर्मेट में आर्म चेयर को डाउनलोड कर लेना है। मैं इसकी लिंक अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको पर्सनली फाइल चाहिए तो। तो ये हम जो आर्म चेयर है इसे इम्पोर्ट कर लेंगे और ये देख सकते हैं हमारी आर्म चेयर इम्पोर्ट हो चुकी है। तो अभी कुछ साइकिल मोड में ऐसी लग रही है,
अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरी डिटेलिंग से काम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट था लियो मूवी का। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट, मैं ज़रूर उस पर अभी जल्दी वीडियो डाल दूँगा। हाँ तो दोस्तों, आपको कैसी क्या लगी वीडियो मुझे कमेंट में भी बता दीजिएगा। और आपने अगर इसका पूरा रिज़ल्ट चेक करना है तो मैंने इसका शॉर्ट्स डाला है उसका, उससे आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें।